हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यूट्रिगल चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 फोन्स जिनको आप ले सकते हैं 25,000 से 30,000 रुपए की रेंज में इस महीने। तो आइए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी लिस्ट को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक जरूरी बात, जैसे काफी लोग पूछ रहे हैं कि 10,000 के बजट में बेस्ट डिवाइस कौन सा, पहले वो तो बताइए या 15,000 वाला बताइए। तो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है लिस्ट इस महीने की बेस्ट फोन 10,000 रुपए में, बेस्ट फोन 15,000 रुपए में और बेस्ट फोन 20,000 रुपए में। वो सारी लिस्टों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मे बी आपके पास मेरी नोटिफिकेशन नहीं जा रही है तो एक बार बेल आइकन को फिर से प्रेस कर दें। ये मैं लिस्ट आपके लिए हमेशा बनाती हूँ। इस रेंज में हमारे पास जितने भी डिवाइसेस आते हैं वो सारे डिवाइसेस बहुत ही कमाल के जबरदस्त फीचर्स वाले होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नंबर थर्ड पोजीशन पे। नंबर थर्ड पोजीशन पर आता है हमारा गेमिंग डिवाइस, इस रेंज का इकलौता गेमिंग डिवाइस। डिवाइस है हमारा नूबिया रेड मैजिक। जिन भी लोगों को गेमिंग करना बहुत ही पसंद है वो इस डिवाइस को बहुत ही इंजॉय करेंगे। इसके अंदर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस तो मिलेगी, साथ में आपको ऐसी लुक मिलती है कि अगर आप इसको निकाल के गेम खेलेंगे तो दूसरा बंदा दिखेगा, क्योंकि ये नॉर्मल फोन से देखने में काफी डिफरेंट लगता है डिवाइस। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत अलग सा है, बैक साइड में जो लाइट आ रही है वो बहुत डिफरेंट लगती है, मतलब एकदम कूल गेमिंग एक्सपीरियंस होगा आपको इसके अंदर। और राइट साइड में आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो रेड कलर का बटन है ये हमारा गेम बूस्ट बटन है। जब भी गेम खेलें आप इसको ऑन कर दें और आपको बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। वैसे प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर, उसके साथ 8GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी। साथ में गेमिंग को अच्छे से एंजॉय करने के लिए आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं, तो मतलब कि साउंड इफेक्ट भी आपको बढ़िया मिलेगा। उसके साथ आपको एडवांस कूलिंग सिस्टम भी इसके अंदर डाला गया है ताकि डिवाइस आपके हाई गेमिंग खेलने में ज्यादा देर तक खेलने में भी हीट अप ना हो। उसके साथ आपको 3800 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, साथ में मिलता है फास्ट चार्जर। इधर आपको 18:9 रेशियो वाला डिस्प्ले मिलता है 5.99 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले है। इसका जो कैमरा है बैक वाला तो हमारा काफी अच्छा है, 24 मेगापिक्सल का कैमरा, उसका अपर्चर 1.7 है तो बहुत ही बढ़िया पिक्स लेता है वो हमारा। सेल्फी कैमरा है वो हमारा 8 मेगापिक्सल का है, वो इतना बढ़िया नहीं है, मतलब कम्प्लीटली आप देख सकते हैं सेल्फी के लिए ये डिवाइस नहीं है, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए ये बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। अगर आपको एक पूरी तरह डेडिकेटेड गेमिंग डिवाइस चाहिए तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। डिवाइस हमारा वैसे 30,000 रुपए का था लेकिन इसके ऊपर आपको कार्ड डिस्काउंट के थ्रू 28,500 रुपए में पड़ जाएगा। इसको जो खरीदने का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकेंड पोजिशन पे हमारे पास टाई आता है और हमारे पास दो बहुत ही जबरदस्त डिवाइसेस आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस्ट सेल्फी कैमरा डिवाइस की, जो कि बहुत ही स्टाइलिश बॉडी में आपको मिलता है और इस डिवाइस में आपको 8GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी भी मिलती है। डिवाइस है हमारा ओप्पो का R17। इसकी जो लुक है वो सबसे पहले बहुत ही प्यारी लुक है, आप देख सकते हैं ग्लास बॉडी में है ये डिवाइस हमारा। ओप्पो में हर कोई कहता रहता था प्लास्टिक प्लास्टिक, अब आपको ग्लास बॉडी मिलती है और बैक साइड में जो इसका डुअल कलर इफेक्ट आ रहा है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और साथ में डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो आपको इसके अंदर मिलता है 6.4 इंच का OLED डिस्प्ले, बढ़िया कलरफुल डिस्प्ले, वो भी वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन में। और वैसे डिस्प्ले के अंदर ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, तो डिस्प्ले लुक वाइज डिजाइन वाइज हर वे में बेटर हो गया। उसके साथ आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि आपकी बहुत ही प्यारी पिक्स लेगा। देख सकते हैं आप सैंपल्स आपके सामने हैं, बढ़िया सेल्फीज आती है। साथ में जो इसका बैक कैमरा है वो भी हमारा बहुत ही बढ़िया है, 16+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप जो कि आपकी काफी सही फोटोग्राफ्स लेगा, मतलब कंट्रास्ट आप देख सकते हैं, सैचुरेशन आप देख सकते हैं, बढ़िया दिखने वाली पिक्स आपको मिलेंगी। इसके साथ आपको प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, स्नैपड्रैगन 670 का प्रोसेसर मिलता है और 8GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी मिलती है आपको इस डिवाइस के अंदर, तो परफॉर्मेंस वाइज भी आपको ये डिवाइस बहुत ही कमाल का लगेगा। साथ आपको 35 mAh की बैटरी मिलती है वॉक चार्जिंग के साथ, और उसके साथ फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी मिलती है और कंपनी की तरफ से आपको स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ मिलता है, साथ में आपको बैक केस भी मिलता है, साथ में आपको ट्रिपल स्लॉट भी मिलता है, साथ में आपको 3.5mm हेडफोन जैक भी मिलता है और ईयरफोन्स भी मिलते हैं। तो देखा जाए तो बढ़िया पैकेज है ये हमारा ओप्पो की तरफ से, जिसके अंदर आपको स्टाइलिश बॉडी,
बेस्ट कैमरा और काफी सारे फीचर्स मिलते हैं यार। और देखा जाए तो ये जो हमारा डिवाइस था वैसे तो 32,000 रुपीज का है, लेकिन इसके ऊपर आपको 2,000 रुपए का एक्सचेंज मिल रहा है, उसके बाद 1,500 रुपए का कार्ड डिस्काउंट, तो कुल लगा के ये डिवाइस आपको 28,500 रुपए में पड़ सकता है। अब सेकंड पोजीशन पे जो हमारा दूसरा डिवाइस है वो है हमारा बहुत ही भरोसेमंद डिवाइस, सैमसंग का डिवाइस है जिसपे बहुत लोग विश्वास करते हैं और काफी लोग हैं जो कि सैमसंग के लिए ही जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास आता है सैमसंग A8 स्टार जो कि ग्लास बॉडी में है। और मेरी माने अगर आप इस डिवाइस के लिए जा रहे हैं तो उसके व्हाइट के लिए जाएं, व्हाइट कलर में ये बहुत ही क्लास अपार्ट लगता है डिवाइस, मतलब इतना स्टाइलिश लगता है, हाथ में होल्ड कराओ आपने इसको तो मजेदार सी फील आ जाएगी। आप देख सकते हैं डिवाइस देखने में बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है, एकदम मजेदार से लग रहा है डिवाइस और आप इसको इजीली हाथ से होल्ड करके यूज भी कर सकते हैं, बढ़िया स्टाइलिश लुकिंग डिवाइस है ये। हमारा फ्रंट के साइड जो हमारा डिस्प्ले है 6.3 इंच का, उसके अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ, जो कि बहुत ही ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले है। साथ में आपको इस डिवाइस के अंदर स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर मिलता है, उसके साथ 6GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी। डिवाइस के अंदर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी, आपकी सारी एक्टिविटी इसके अंदर आराम से हो जाएगी, स्मूथली हो जाएगी। उसके साथ कैमरास की अगर हम बात करें तो आपको बैक में 24+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप बैक में मिलता है, बहुत ही प्यारी फोटोग्राफ्स आती है इसके, आप देख सकते हैं एकदम नेचुरल लुकिंग पिक्स है, एकदम टेस्टफुल सी पिक्स आती है इसकी। और साथ में सेल्फी कैमरा भी आपको 24 मेगापिक्सल का मिल रहा है, जो कि हमारे सैमसंग का काफी बढ़िया कैमरा है और इसकी पिक्स भी बहुत ही अच्छी आती हैं, चाहे आप किसी भी मोड में लें। साथ में आपको स्टिकर्स भी मिलते हैं इसके अंदर, तो पूरी तरह आप इसके कैमरास को एंजॉय करेंगे, चाहे बैक कैमरा को एंजॉय करें चाहे फ्रंट कैमरा को करें। साथ में आपको 3700mAh की बड़ी बैटरी भी दे रहा है सैमसंग और उसके साथ फास्ट चार्जर भी दे रहा है, तो मजे से डिवाइस को यूज करो और बैटरी की टेंशन भी छोड़ो। ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा बहुत ही प्यारा दिखने वाला डिवाइस है, जो कि वैसे 27,000 रुपए का है, लेकिन इसके ऊपर आपको कार्ड डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको कुल लगा के 25,500 रुपए में पड़ सकता है। इसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग करी हुई है जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, साथ ही इसका जो खरीदने का लिंक है वो नीचे आपको मिल जाएगा। अब पहली पोजिशन पर आता है हमारा इस रेंज का मोस्ट पावरफुल और मोस्ट ड्यूरेबल डिवाइस। पावरफुल ऐसे कि उसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 845 का फ्लैगशिप प्रोसेसर, और ड्यूरेबल ऐसे कि इसके अंदर आपको IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, और उसके साथ ये डिवाइस हमारा मिलिट्री स्टैंडर्ड पास है। डिवाइस हमारा LG का G7 ThinQ। सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, इस डिवाइस के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर मिलता है, उसके साथ 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी, उसके साथ एंड्रॉइड ओरियो, तो मजे से आप इस डिवाइस को यूज करें, इसमें आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। हालांकि बैटरी थोड़ी सी छोटी मिलती है, हमें 3000mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन आपको इसके साथ फास्ट चार्जर मिलता है तो आप इसको फटाफट से चार्ज भी कर सकते हैं अगर आप इसको नॉर्मल से थोड़ा हेवी की तरफ यूज करते हैं तो। बिल्ड क्वालिटी देखी जाए डिवाइस की तो बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर हमें ग्लास बॉडी मिलती है और डिवाइस एकदम बढ़िया लगता है देखने में, प्यारा सा पूरी तरह आपके हाथ में आ जाएगा, एजेस पीछे से कर्व्ड है तो एकदम मजे से आपके ये ग्रिप में आएगा। और साथ ही जैसे कि हमारा मिलिट्री स्टैंडर्ड पास है, साथ ही आपको IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, तो पानी में यूज करो या पानी में गिर दो या कहीं पे भी गिर जाए, आपको इसके अंदर जो ड्यूरेबिलिटी का लेवल मिलता है वो किसी भी और डिवाइस में नहीं मिलता। जिनका डिवाइस ज्यादा गिरता है और अच्छा डिवाइस चाहिए, पावरफुल डिवाइस चाहिए, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी ऑप्शन है। साथ में कैमरास की अगर हम बात करें तो आपको 16+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है बैक में, जिसमें से एक हमारा मेन कैमरा है 16 और दूसरा जो 16 है वो हमारा सुपर वाइड एंगल लेंस है उसके अंदर, तो आप अपनी ग्रुप फोटोग्राफ्स भी अच्छी ले सकते हैं बैक कैमरा से और बढ़िया क्वालिटी की पिक्स आएंगी, नेचुरल लुकिंग पिक्स, कंट्रास्ट बहुत बढ़िया होता है, फोकसिंग बहुत अच्छी होती है इसके कैमरास की। और जो हमारा फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, 8 आपको लगेगा कम है लेकिन सेल्फीज आप देख सकते हैं बढ़िया पिक्स आती है इसके फ्रंट कैमरा की भी। ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा एक बहुत ही क्वालिटी डिवाइस है जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं। एक्चुअल में LG के फोन्स के अंदर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मिलती है हमें, मेरे पास सारे डिवाइसेस है, मैंने कईयों की अनबॉक्सिंग करी हुई है और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है।
ये डिवाइस हमारा वैसे 33,000 रुपीज का है, लेकिन इसके ऊपर 3,000 रुपए का एक्सचेंज चल रहा है, तो ये आपको 29,900 रुपए में पड़ जाएगा। अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, और साथ ही इसका खरीदने का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस, ये थी हमारी लिस्ट। आई होप आपको मेरी लिस्ट पसंद आई होगी। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।